शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का असर शनिवार को भी आंशिक रूप से देखने को मिला। महानगर के अंबेडकर चौक एवं शाम को चेतना तिराहे पर पुलिस ने कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराते हुए वाहनों की चेकिंग की और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी की। शनिवार को शाहबगंज, शास्त्री चौक सहित और अन्य जगहों पर तथा रात्रि में गणेश चौक, विजय चौक, बैंक रोड तथा चेतना तिराहा पर भी कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इसके अलावा कहीं कहीं सड़कों पर वाहनों का आवागमन भी जारी रहा, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा कि सभी मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग किया गया है। जो अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर चालान किया जा रहा है तथा 188 के तहत मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, अकेले को नहीं गए? अंकित पूरा बोलो। पूरा भरी है साफ। पिताजी के नाम Thank you.
लॉकडाउन सरकार के जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार सभी मुख्य चौराहों पर टिकट की समुचित व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई है और बिना किसी काम के आने जाने वालों का चालान किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानें न खुलें, इसके लिए भी लोगों को आगाह किया जा रहा है। सर जो आना हफ्ते निकल उनके लिए क्या करना है? उनके लिए चालान की कार्रवाई हो रही है और आवश्यकता पर उनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है।